विक्रमादित्य सिंह को हर हाल में बनना है हिमाचल का सीएम। बीच कैबिनेट मीटिंग छोड़कर निकल गए विक्रमादित्य। छह बागी विधायकों से बढ़ रही है करीबी। क्या पलट देंगे सुक्कू का खेल? क्या हो जाएंगे बीजेपी में शामिल? क्या है विक्रमादित्य का गेम प्लान? हिमाचल प्रदेश में पिक्चर अभी बाकी है, खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि विक्रमादित्य की जिद है सीएम बनने की। खबर है कि विक्रमादित्य सिंह कैबिनेट छोड़कर बीच कैबिनेट से उठ गए थे, बीच कैबिनेट मीटिंग से उठ गए थे, और सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि वो चंडीगढ़ गए और वहां छह अयोग्य विधायकों से मुलाकात भी की है। इस खबर के सामने आने के बाद एक बार फिर लगने लगा है कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। ये अलग बात है कि सीएम सुक्खू और राज्य के पर्यवेक्षण के तौर पर भेजे गए डीके शिव कुमार भले ही कहते रहे हों कि संकट मिट गया है, लेकिन सामने आए नए अपडेट के बाद लग रहा है कि अभी कुछ भी बदला नहीं है। और ऐसे में ये सवाल तो बनता है कि क्या विक्रमादित्य सिंह हिमाचल के सीएम बनना चाहते हैं? तो आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ आशीष सिंह आनंद और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। अब खबर क्या है वो सुनिए। तो हुआ यूं कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने घर पर सभी कांग्रेस विधायकों की मीटिंग बुलाई थी। बहुत सारे विधायक आए, लेकिन विक्रमादित्य सिंह के साथ चार विधायक इस बैठक से दूर रहे। इससे एक बात तो साफ हो गई थी कि विक्रमादित्य सिंह ने इस्तीफे को लेकर अपनी जिद छोड़ दी हो, लेकिन उनका जो इरादा है वो अभी भी बदला नहीं है। उनके समर्थक अभी भी चाहते हैं कि राज्य का जो सीएम हो वो विक्रमादित्य सिंह ही हो। उनके जो समर्थक हैं वो विक्रमादित्य सिंह को ही सीएम के तौर पर देखना चाहते हैं। वहीं इनकी बीजेपी में जाने की बात सामने आ रही है। सवाल के जवाब में विक्रमादित्य की मां प्रतिभा सिंह ने खुद बोला है कि बीजेपी का काम कांग्रेस से ज्यादा अच्छा है। कांग्रेस में अभी बहुत कुछ करने को हमारे को बाकी है। हालांकि आप जानते हैं एज एमपी मैंने सारा ही अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का दौरा बार बार किया है। मैं लोगों से मिली हूँ, लोगों की बात को जानने का प्रयास किया, क्या उनकी डिफिकल्टीज है उसको जानने का प्रयास किया। हमारे पास सांसद निधि होती है जो जिसका बंटवारा मुझे बराबर बराबर हर हल्के में करना था, क्योंकि अब कभी भी कोड ऑफ कंडक्ट लग सकता है, फिर वो पैसा लैप्स हो जाएगा। तो ये इस विषय में मैंने सभी से फीडबैक लिया। ये बात सही है कि भाजपा की वर्किंग हमारे से बेहतर है। वहीं दूसरी ओर प्रतिभा सिंह ने यह भी कहा है कि वो उन बागी विधायकों के साथ टच में नहीं है। सुनिए। देखिए, अभी तो दे आर अंडर टाइट सिक्योरिटी, तो इतना आसान नहीं है उनको मिलना। ठीक है, जो वो निर्णय करेंगे, फैसला करेंगे, और क्या उनके मन में इच्छा है, क्या वो करने जा रहे, आई कैन नॉट गेट इन टच विद देम बिकॉज उनके फोन्स भी स्विच ऑफ है एंड सारा एरिया कॉर्डन्ड है। यू कैन नॉट टॉक टू देम, यू कैन नॉट मीट देम, इतना आसान नहीं है। सवाल ये है कि ये सब कुछ शुरू कैसे हुआ, कहाँ हुआ, और सीएम सुक्खू से चूक कहाँ हो गई? तो हिमाचल प्रदेश की सरकार का ये संकट तब शुरू हुआ जब हिमाचल की एक सीट पर राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बड़े चर्चे इसलिए हुए क्योंकि कांग्रेस यहाँ बहुमत में है, जबकि बीजेपी के सिर्फ 25 विधायक ही थे। कांग्रेस के 6 विधायकों ने बगावत कर दी। इस तरह कांग्रेस के 6 और 3 निर्दलीय विधायकों ने चुनाव से जस्ट पहले खेमा बदल लिया और बीजेपी के लिए क्रॉस वोटिंग कर दी। इसके चलते बीजेपी के उम्मीदवार जीत गए। इसके बाद से कांग्रेस की सुक्खू सरकार पर खतरा जो है वो लगातार मंडरा रहा है। वहीं हिमाचल प्रदेश की जो राजनीति हो रही है उसे जारी हर एक अपडेट से अपडेटेड रहने के लिए आपको एबीपी लाइव को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।